अस्सलामु अलैकुम। हक्कानी दुरुस्त है। اللهم صل وسلم على كلامنا الكريم رحمه للعالمين سمائل من سيدنا مولانا وربينا محمد وعلى اله واهل بيت الاجريات وازواجه واصحابه اولياء امته اجمعين كما صليت وسلم وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد ذكر مرشد पाँच टीम नमाज पाँच टीम वजीफा जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। ए अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे, वरना कह देगा हिंदुस्तान में सूद जायज है। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, चार चीज बनाया अल्लाह ताला ने। अगर चार चीज में एक चीज भी कम है उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। हम लोगों का मुर्शिद भी कहता है नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह सुन्नत के बारे में सुन लें, बोलने में गलती होगा तो माफ़ करेंगे। देख लें सुन्नत, असर की सुन्नत। आज कितने लोग सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, लोग क्या किया तो कहते हैं। असर की सुन्नत के बारे में सुन लें। एक अल्लाह के दोस्त थे, बोलने में गलती होगा तो माफ़ करेंगे। एक अल्लाह के दोस्त थे, अपने मिलने जुलने वालों से कहते हैं कि मेरी जनाजे की वही नमाज पढ़ाएगा जिसकी कभी असर की सुन्नत कजा नहीं हुई है, और वो दुनिया से पर्दा कर गए चले जाते हैं। बड़े बड़े सारे लोग खड़े हैं, बहुत देर हो जाती है, जनाजा रखा हुआ है, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कहें कि हम लोग सब लोग जानते हैं कितना मेरा नमाज है, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, पूरा पूरी नमाज का अहतमाम करना। देख लें एक नकाब पोश आया, जनाजा पढ़ा के जाने लगा, एक आदमी पकड़ लिया, भाई आप अपना चेहरा तो दिखा दें कि आप कौन हैं। तो जब अपना चेहरा दिखाते हैं तो क्या देखा कि जो जनाजा रखा हुआ है वही जनाजा पढ़ा के जा रहा है। असर की सुन्नत में कितना पावर है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कहते टाइम नहीं। टाइम का पूरा पूरी देख लें ऐसा की सुन्नत। एक मौलाना साहब थे, गए मुरीद होने के लिए, उनके मुर्शिद ने क्या कहा, ए मौलाना क्या आए हो? कहा कि हजूर मुरीद होंगे। कहा कि हाँ मुरीद तो होना अच्छी बात है, लेकिन मुर्शिद की एक बात है। कहा कि हुक्म हो? कहा कि नमाज मत पढ़ना। मुर्शिद का हुक्म था नमाज न पढ़ना। अब जो है वो मौलाना साहब परेशान हैं, फजीर चला गया, जोहर चला गया, यहाँ तक कि असर, यहाँ तक कि मगरिब भी चला जाता है। मौलाना साहब रोना शुरू कर देते हैं, अल्लाह हम कहाँ आ गए, यह मुर्शिद का हुक्म का बात है, जो मान लिया वही कामयाब है। देख लें कहा कि जब ऐसा की अजा हो गई, मुर्शिद वजू किए, नमाज पढ़ के सो गए। कहा कि मौलाना आप बगल में सो जाओ। अब मौलाना साहब सो जाते हैं, अब मुर्शिद की नाक बजने लगी खड़ खड़। अब उसके बाद मौलाना साहब उठते हैं, जल्दी जल्दी वजू किया, चार रिकात फर्ज नमाज पढ़ के सो गए। अब उसके बाद अब मुरीद जो है उठता है, चार रिकात फर्ज पढ़ के सो गया। अब वो क्या ख्वाब देखता है, सोना था कि ख्वाब शुरू हो जाता है, क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। कहा कि ए मौलाना मैंने कौन सी गलती की जो मुझे छोड़ दिया, यानी सुन्नत को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग सुन्नत से दूर हैं, नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं टाइम नहीं, कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। ये देख लें कलमे के बारे में सुन लें, हम लोगों के मुर्शिद ने हम लोगों को क्या दिया, कितना बड़ा नेमत दिया, जो इस नेमत को हम लोग इधर उधर कर रहे हैं मेरे भाई।
ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, न ऐसी मजलिस मिलेगी, न ऐसा वजीफा मिलेगा। देख लें कलमे के बारे में, सुन लें कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया कलबी के लिए दुआ करते थे, ए अल्लाह ताला दहिया कलबी को मुसलमान बना दे। दुआ कर रहे हैं, अब दहिया कलबी के दिल में आया कि चलते हैं आज इस्लाम कबूल कर लेते हैं। देख लें कलमा, उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि दहिया कलबी इस्लाम कबूल करने के लिए घर से चल दिया है। अब कुछ ही देर हुआ कि दहिया कलबी पहुंच जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर मुबारक बिछा दिया, ऐ दहिया कलबी इस पर से आ जाओ। दहिया कलबी उठा लेता है, चादर को चूम लिया और इतना रोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐ दहिया कलबी क्यों रोते हो, क्यों नहीं पढ़ देते कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरी गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी क्या? तो कहा कि क्यों? कहा कि 70 बरस मैंने बुत की पूजा किया, 70 जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही के इंतजार में हो जाते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कहा जिसने एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु पढ़ लिया, जब 70 बरस बुत की पूजा और 70 जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया, अल्लाह ताला सारी गुनाह को माफ कर देता है। मुर्शिद हम लोगों का क्या दिया? पढ़ें, कहीं इधर उधर ना भटके मेरे भाई। आज देख लें टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, पेट में नस्ल है वो भी चलाता है मोबाइल, पेट में नस्ल है वो भी टीवी देखता है। आज हमारी माँ बहनें बेटियाँ देख लें खाली टीवी मोबाइल चल रहा है। आज नस्ल आती है दुनिया में और टीवी मोबाइल चलाना शुरू कर देती, क्योंकि वो भी चलाई है। देख लें बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्ला अलैह, एक बार हक्कानी दुरुस्त इब्राहिम मजीद। बाबा फजीलुद्दीन गंजशकर रहमतुल्ला अलैह निकलते थे तो लोग देखते और ईमान ला देते। अपनी माँ से कहा कि ए माँ देखो हमको लोग देखा है ईमान ला दिया। कहा कि ए माँ, ए बेटा, ये तेरा नहीं ये मेरा है, जब तुम मेरे शिकम में था तो मेरी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। आज हम लोगों के माँ बने बेटियाँ सब नमाज कजा बा, खाली टीवी बा अब मोबाइल बा। वैसे ही नस्ल दुनिया में है, देख लें ए नस्ल। कहा कि मेरी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई, और जब तुम मेरे पेट से बाहर हुआ तो पहले वजू करती, दो रिकात नफिल नमाज पढ़ती, तब तुम्हें दूध पिलाती और तुम्हारे लिए दुआ करती, ए अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्ला अलैह ने क्या कहा, ये औलाद हैं, नस्ल हैं। आज हम लोग कैसा नस्ल हैं देख लें। उन्होंने क्या कहा, ऐ माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी ये तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। हक्कानी दुरुस्त اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى العالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيتنا جريات وجوان وصحابه أولياء أمة إجمعين كما صليت وسلم تبارك دورهم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھ لے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے مرشد صوفیہ جنگاچھی رحمت اللہ علیہ سے کہا
कि हम अजमेर जाएंगे। यहाँ सारे औलियाओं की हाजिरी होती है, हक्कानी अंजुमन, ये हाजिरी जरूरी है। मुर्शिद ने करके दिखा दिया। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजूर हम अजमेर जाएंगे, कहा कि ठीक है अजमेर जाओ, लेकिन मेरा सिजरा लिख दो, मेरा सिजरा लिख दो। सारे जो भी आते गए लिखवाते गए, यहाँ तक कि ख्वाजा साहिब का नंबर आ गया। सारे की हाजिरी हक्कानी अंजुमन देखने, ख्वाजा साहब का नंबर आ जाता है तो हजरत कहते हैं मौलाना ऊपर मत देखना, अजमेर से जोड़ दिया खानकाह को। मुर्शिद ने देख लें कहा कि ऊपर मत देखना। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने तिरछी निगाह देखा, पूरा सिजरा उनका लिख दिया। उसके बाद जब मक्का के इमाम का नंबर आ गया, देख लें मक्का से यहाँ जोड़ दिया मुर्शिद, कितना बड़ा करामात है अल्लाह के औलिया का। हम लोगों को यकीन नहीं मेरे भाई, नहीं यकीन, पूरा पूरी उस पर एतमाद, यकीन रखें इंशाअल्लाह कि मेरा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है। देख लें मक्का से जोड़ दिया बागमारी को। जब वो आते हैं अपना सिजरा उजरा लिखवा दिया मुख्तसर में, जब जाने लगे तो कहा कि ऐ मौलाना थोड़ा ऊपर देखो। जब ऊपर देखते हैं तो कहते हैं देखो ये मक्का के इमाम हैं। उसके बाद जो है असर का वक्त हो रहा था, जाने लगते हैं। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, हजरत ये असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा के सर जमीन पर होगा। इनकी यही सवारी है इंशाअल्लाह। हक्कानी दुरुस्त।